हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूँ आपका सभी ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी के मोबाइल में फेस लॉक कैसे लगाएं। तो ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि रेडमी के मोबाइल में फेस लॉक कैसे लगाएं। तो उसके लिए आपको अपने रेडमी के मोबाइल में आपको सेटिंग को ओपन करना होगा और उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपको यहां ऐड फेस डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपके मोबाइल का जो भी पासवर्ड है वो आप डाल दीजिए। जैसे मेरे मोबाइल का है 1122, तो मैं डाल दिया। डालने के बाद आप यहां नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर लोडिंग होगा और देख लीजिए कुछ देर के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया और उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप अपने कैमरा में फेस दिखाइए और आपका फेस लॉक ऐड हो जाएगा। जैसे देखिए अब मेरा इसमें फेस लॉक ऐड हो चुका है, यहाँ पर लिखा गया एडेड सक्सेसफुली। अब मेरे इस मोबाइल में फेस लॉक लग चुका है और उसके बाद आप यहाँ डन पर क्लिक करिए। तो देख सकते हैं अब मैं अपने मोबाइल को लॉक करता हूँ। तो देखिए लॉक कर दिए। अब मैं अपने फेस लॉक से अनलॉक करके देखता हूँ कि मेरे मोबाइल में फेस लॉक लगा है कि नहीं। तो अनलॉक करने के लिए आप यहाँ ये पावर बटन को दबाइए और दबाने के बाद आप अपने फेस मोबाइल को दिखाइए और देखिए कि अनलॉक होता है कि नहीं। तो मैं पावर बटन को दबाता हूं और फेस दिखाता हूं। तो जैसे ही मैं फेस दिखाया तो मेरा मोबाइल अनलॉक हो गया। मैं फिर से लॉक लगाया और फिर से मैं फेस दिखाता हूं तो देख सकते हैं मेरा फेस से ये लॉक अनलॉक हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने रेडमी के मोबाइल में फेस लॉक लगा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।